बॉलीवुड के कई ऐसे शाइनिंग स्टार्स हैं जो इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। इनमें से कई सितारे ऐसे हैं जिन्हें अपनी आखिरी फिल्म खुद सिल्वर स्क्रीन पर देखने को नहीं मिली। इस लिस्ट में श्रीदेवी, राजेश खन्ना और मधुबाला सहित बॉलीवुड के कुछ स्टार्स शामिल हैं, जिनका निधन उनकी पिछली फिल्म की रिलीज से कुछ दिन या फिर महीने पहले ही हो गया था, जिससे उनके फैंस को भी बड़ा सदमा लगा था। हाल ही में ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन रिलीज हुई। हालांकि ऋषि कपूर अपनी फिल्म पूरी नहीं कर पाए, जिसके बाद उनका किरदार फिल्म में परेश रावल ने निभाया। इस फिल्म को उनके फैंस, लोगों से, क्रिटिक से खूब प्यार मिल रहा है। ऐसे ही कौन कौन से सितारे हैं जिनकी फिल्में उनके जाने के बाद रिलीज हुई, चलिए आपको बताते हैं। श्रीदेवी। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा प्यार पाने वाली एक्ट्रेसेस में से एक श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में हुए दर्दनाक हादसे में हुआ था। उन्होंने शाहरुख खान की साल 2018 में आई फिल्म जीरो में एक कैमियो किया था। ये मूवी श्रीदेवी की मौत के बाद ही रिलीज हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत। बॉलीवुड में सबका दिल जीतने वाले सुशांत सिंह राजपूत का 14 जून 2020 को निधन हो गया था। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को सिनेमा घरों में तो रिलीज नहीं किया गया, लेकिन डिज्नी हॉटस्टार पर इस फिल्म को फ्री में दिखाया गया था। इरफान खान। अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में पहचान बनाने वाले इरफान खान 29 अप्रैल 2020 को दुनिया से अलविदा कह गए थे। उनकी आखिरी फिल्म मर्डर एट तीसरी मंजिल 302 साल 2021 के दिसंबर महीने में ओटीटी पर रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना को उनके फैंस ने बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहकर नाम दिया था। वो कैंसर से पीड़ित थे और 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। उनकी मौत के बाद उनकी आखिरी फिल्म रियासत 2014 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार। शोले में ठाकुर का किरदार निभाने वाले एक्टर संजीव कुमार की मौत 6 नवंबर 1985 को हो गई थी। संजीव महज 48 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए थे। उनके निधन के बाद करीब 14 फिल्में रिलीज हुई थी। एन मधुबाला। अपनी खूबसूरती के लिए पूरे बॉलीवुड में जानी जाने वाली मधुबाला का 23 फरवरी 1969 को निधन हो गया था। उनकी आखिरी फिल्म ज्वाला मधुबाला की मौत के 2 साल बाद यानी 1971 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने फैंस को भावुक कर दिया था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।